Welcome back, Khawateenos. Aaj Subh with Ali Salman. We had a very interesting break, which was interesting because, you know, expressing ourselves, as we all say, is very important. Because expression, ke saath, you open up, you have tolerance, acceptance aati hai dusron ke liye. We have our second honorable guest. First, Ali Tabbasum saab humare saath maujood hain. Kuchu bhai ne break mein bhi phone kiya ki jab tikar meri billi theek nahi hogi, Ali bhai tonu jaan nahi dena si. Our second guest is there. Before I formally introduce her to you, we have a package. Aaye chal ke package dekhte hain. Package se vaapsi ke baad hum inse baatcheet karenge. And here is the package. Na Hashmi, 28 January 1960 ko paida hui. इन्होंने सन 1975 में आगा खान सेकेंडरी स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद सन 1977 में सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन से HSC कंप्लीट किया और फिर अपने मिशन को पूरा करने के लिए सन 1985 में डॉ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। सन 1995 में रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रेशन एंड गायनेकोलॉजिस्ट से स्पेशलाइजेशन की और बाकायदगी से अपने प्रोफेशन का आगाज किया और आजकल डॉक्टर समरीना मकामी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। वेलकम बैक खवदीनोजा डॉक्टर हाशमी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग अस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, ठीक हूं। डॉक्टर साहब, गायनेकोलॉजी इज अ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक हमारा प्रॉब्लम है, मैं अली से भी बात करता रहता हूँ अक्सर, लैक ऑफ एजुकेशन एंड इग्नोरेंस एंड नॉलेज एंड नो हाउ। बहुत सारी हमारी जो अनएजुकेटेड मासेस हैं जो कि अर्बन एरियाज़ में नहीं हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, वो एक तो अवॉइड करती हैं टू कंसल्ट अ मेल गायनोकोलॉजिस्ट और अ मेल डॉक्टर, जिसकी वजह से बहुत हमारी जो इस तरह की डिजीज़ हैं या कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसको वुड यू लाइक टू शेड सम लाइट ऑन दिस कि इसको हम कैसे एड्रेस करें, इस बड़े सेंसिटिव मसले को? देखिए, इन चीज़ों के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम अपना एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ करें, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी 14% आबादी जो है वो एजुकेशन सिर्फ उनको हासिल है, वो भी 14% वो हैं जो कि साइन कर सकते हैं अपना नाम, 2% ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं। अब ऐसी पब्लिक में आप अगर अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहेंगे तो कहाँ तक क्रिएट करेंगे? क्योंकि जैसे अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि हम पहले बात कर रहे थे, अगर आप इस्लाम का ताल्लुक देख लीजिए तो इसमें भी हमें कहा गया है कि जो तुम्हारी बीमारी ज़ाहिर हो रही है उसको तुम इलाज करवा सकते हो। अगर हम इस्लामी जंगों को देखें, उसमें भी अगर आप देखेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेगमात थी वो मैदान जंग में भी ज़ख्मियों का इलाज किया करती थी। तो हमें अपने लोगों को ये बताने की ज़रूरत है के इलाज के लिए उन्हें बेशक कोई मर्द डॉक्टर भी हो उस तक भी जाया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ की इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हमारी ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स फीमेल्स हैं, ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, उसके बावजूद क्या होता है कि जब वो शादियां करके घरों में बैठती हैं तो क्योंकि उन्हें बेबी नर्सरीज की सहूलत हासिल नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स की सहूलत हासिल नहीं है, तो फर्दर आगे ट्रेनिंग अपनी कर नहीं सकती और अपने घरों तक महदूद हो जाती हैं शादियां करके और काम नहीं करती। तो इस तरह हमारे पास रूरल एरियाज़ में, हमारे देहात में ख़वातीन डॉक्टर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ना तो वो उन देहातों में जाके काम करने को तैयार होती हैं और चंद डॉक्टर्स हैं जो मिलती हैं, और इस तरह से डॉक्टर फीमेल डॉक्टर्स की कमी हो जाती है। इसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है एट गवर्नमेंट लेवल के हर जगह बच्चों की नर्सरीज़ हो ताकि अगर कोई खातून डॉक्टर काम कर रही हैं वो अपना बच्चा अपने साथ वहाँ नर्सरी में उस अस्पताल में रख ले। सेकेंडली, पार्ट टाइम जॉब्स, अगर 2 साल की ट्रेनिंग है वो बेशक घंटे कम करके 4 साल में कंप्लीट हो, मगर पार्ट टाइम ट्रेनिंग की सहूलत हासिल होनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ताकि वो लड़कियाँ घरों पर बैठने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके ट्रेनिंग कर लें और हमारे मैसेस को फीमेल डॉक्टर्स। अच्छा, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हमारे मुल्क में एक तो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये भी है ना कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हेल्थ और एजुकेशन का जहाँ ये मैंडेटरी हो कि जब आपको सिकनेस है तो आपको एक रीजनेबल डिसेंट इलाज अवेलेबल। आई एम ए विटनेस टू, मैंने खुद देखा अली भाई जाकर, मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारा जो सरकारी अस्पताल है जहाँ एक गायनी में एक वार्ड पर दो डिलीवरी के केसेज हो रहे हैं एंड वहाँ पर कोई हाइजीन का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पर बकायदा बिल्लियाँ फिर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल। तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं पता हुकूमत क्या कर सकती है क्या नहीं। हमारा अपना भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अवाम कि हम
किसी मैं आपकी इस बात पे थोड़ा सा कमेंट करूंगी कि देखिए WHO की रिकमेंडेशन है कि आपने लोगों को उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर देना है. करेक्ट. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की. अनफॉर्चुनेटली हमारे ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स अब कुछ PPHI की वजह से चलने लग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे ज़्यादातर जो करीब के अस्पताल होते हैं, हुकूमत की डिस्पेंसरी और अस्पताल, वो बंद पड़े रहते हैं. okay. अगर खुलते भी हैं तो 12 बजे डॉक्टर वहाँ से चला जाता है. सिर्फ कराची में ही 40 मेटर्निटी होम्स बंद पड़े हैं. wow. अब जब 40 मेटर्निटी होम्स बंद पड़े हैं तो लोगों का ज़्यादा रश कहाँ होगा? उस जगह पर होगा जो खुली भी होगी. Correct. ठीक है, मेजर रश वहाँ पर आएगा. छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए भी लोग सिविल अस्पताल या जिना अस्पताल जाएंगे. तो अनफॉर्चुनेटली होगा क्या कि एक एक बिस्तर पे दो दो तीन तीन लोग पड़े हुए होंगे. अगर आप ये सारे सेंटर्स जो घरों के करीब हैं, पेरीफ्री में हैं, आपके शहरों के बाहर की तरफ हैं, उन्हें एक्टिवेट करें, उन डॉक्टर्स के ऊपर लाजिम करें कि जहाँ से वो अपनी तनख्वाहें लेते हैं उधर जाके बैठें और काम करें पूरा दिन. गवर्नमेंट बड़े हस्पतालों के साथ इन पेरीफ्री के हस्पतालों को अटैच करे. okay. ताकि ये डॉक्टर जो यहाँ FCPS या फेलोशिप की ट्रेनिंग कर रहा है वो 6 महीने जाके पेरीफ्री के हस्पताल में okay. सर्व करे. okay. तो उससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ उन देहातों में पेरीफ्री के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन मिलती है. तो गवर्नमेंट शुड बेसिकली बिल्ड अप अ प्लान अराउंड दिस. इसको प्लान करें. आई गॉट सम रूरल एरियाज में एक ऐसी डिजीज दैट आई नो, आई गॉट फ्रेंड्स हु हैव जस्ट सफर्ड दिस. पोलियो हैज सर्फेस्ड अगेन. उसका कुछ पोलियो के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं. देखिए हमारे पास बदकिस्मती से हम वर्टिकल प्रोग्राम ज्यादा चलाते हैं. ठीक है ना, एक EPI का जो रूटीन वैक्सीनेशन है बच्चों की वो अलग चल रही है, पोलियो अलग चल रहा है, मलेरिया अलग चल रहा है. हमें इन प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. सेकेंडली हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो बेसिक EPI सिस्टम है, जो अपनी बेसिक वैक्सीनेशन का सिस्टम है, जो बच्चे को 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक जो वैक्सीनेशन लगती है, उससे मजबूत करें. okay. और लाजिम कराएं कि हमारी पॉपुलेशन को EPI वैक्सीनेशन लगे. okay. अगर हम उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय सारा जोर पोलियो पे देते रहेंगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा. okay. तीसरी चीज़ ये है कि पोलियो उस वक्त ख़त्म होगा जब आप इलाके के डॉक्टर को, इलाके की नर्स को, इलाके के मौलवी को, उस कबीले के सरदार को, जब तक आप अपने साथ नहीं लेंगे उस वक्त तक आपका प्रोग्राम कामयाब नहीं होगा. आप किसी को पोलियो वैक्सीन लगाने चले जाएं, आप मेरे घर आ जाएं, मैं खोलूंगी आपके लिए दरवाज़ा, मुझे क्या पता आप कौन है. ठीक है, इसलिए आपको उन इलाके के लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, मस्जिदों में जाके लगानी पड़ेगी, मौलवियों को साथ मिलाना होगा, तब जाके आपका ये प्रोग्राम कामयाब होगा. नाकामी की वजह यही है कि करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पूछगछ नहीं है. तुम्हारे इलाके में 6 केसेस थे, कहाँ से आए? आप दोनों से एक बात बताता शेयर करता जा रहा हूँ. आई वॉज डूइंग अ शो फॉर अनदर प्राइवेट चैनल आज से काफी 1.5-2 साल पहले, और वहां पर हमने एक नर्स को इंटरव्यू किया, और जो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक्यात उन्होंने हमारे साथ शेयर किए रिलेटेड टू अबॉर्शंस. आई विल लाइक टू ब्रिंग इट अप एंड आई हैव बोथ ऑफ यू टू डिस्कस दैट. वो जो प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर जिस तरह ये एक माफिया ऑपरेट कर रहा है, इट्स मतलब बहुत वो दिल दहला देने वाला. टाइम फॉर अ ब्रेक. डॉक्टर हाशमी इज विद अस, अली तबसुम साहब इज विद अस. आप हमें कॉल कर सकते हैं, अली भाई से बात कर सकते हैं. सी यू एट द अदर साइड द ब्रेक एट आज सुबह विद अली सलमान.